ये लो। आदाब। रुको, तुम्हें और पैसे कमाने हैं क्या? जी हम पैसे कमाने के लिए ही तो काम करते हैं। आप काम बताओ। काम हो जाएगा और मैं सोच के बताऊंगी कि इस काम की रकम मैं क्या लूंगी। ठीक है, हमें हर हाल में मंजूर है। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आबिद को कौन समझाए? आम के बाग, अमरूद के बगीचे तुम्हारे दादा हुजूर ने खुद लगवाए थे, एक एक पेड़ की खुद देखभाल किया करते थे। वो कहते थे कि ये सिर्फ पेड़ नहीं है, हमारे लिए हमारी औलादें हैं। कल हम रहे या ना रहे, पर इन पेड़ों के फायदे हमारे बच्चे उठाएंगे, इनके फल खाएंगे। और तुम्हारे अब्बू, वो भी पेड़ों की बहुत देखभाल करते थे, उनकी इज्जत और एहतराम करते थे, जैसे किसी बुजुर्ग का एहतराम किया करते हैं। इन पेड़ों के फल भी ऐसे खाते थे मानो मानो तबरुक खा रहे हो। हमसे कहते थे कि हम जब भी कभी इस बाग में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्ग हमें दुआएं दे रहे हैं। बेटा, हम सच कह रहे हैं, तुम्हारे अब्बू कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, पर वो वक्त निकाल के बाग बगीचे जरूर आ जाते थे। और यही हाल तुम्हारे दादा साहब का भी था। हमारी समझ में ये नहीं आता कि आज आबिद उन बाग को बेचने के लिए खरीदार ले आए। कैसे समझाए उसे? अम्मी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे बाग नहीं है, हमारे बुजुर्गों की रूहें हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बचपन में अब्बू जब हमें लेकर बाग में जाते थे तो वो कहते थे कि हमारे दादा हुजूर ने उनसे कहा था कि जब हमारा इंतकाल हो जाए और तुम्हारा हमसे मिलने का दिल करे तो तुम यहां बाग में आ जाओ, हमारी रूह यही दरख्तों के आसपास रहे। अब आप बताइए, हम अपने मरहूम वालिद साहब के लिए ऐसी बातें सोचे? और यही बात अब्बा मरहूम भी बोलते थे। अम्मी, अब आप बताइए, हम अपने बुजुर्गों के लगाए हुए बाग को बेचने की इजाजत कैसे दे दें? बेटा, तुम आबिद को समझाओ, वो तो कुछ समझने को राजी ही नहीं। जो उसकी बीवी हुक्म देती है बस उसे पूरा करने में लग जाता है। अम्मी, लेकिन आबिद पहले ऐसा नहीं था, आपकी सारी बातें मानता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तब से उसे न जाने क्या हो गया है, ना छोटों से मोहब्बत, ना बड़ों की इज्जत। अब्बू जो जायदाद छोड़कर गए हैं, ना उसका एहतराम करता है। हमने उसे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया। उसे ना तो जिंदों से मोहब्बत है और ना ही उनका एहतराम है जो अब इस दुनिया में नहीं। उसके अंदर जैसे किसी किस्म के कोई जज्बात ही नहीं। अम्मी, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा। हमें तो बहुत अफसोस होता है आबिद के लिए, इतना बड़ा हो गया है और अभी तक उसको अकल नहीं आई। दिमाग से अभी भी वो बच्चा ही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कान का कच्चा है। ऊपर से जिद्दी भी, जिस बात की जिद कर लेता है उसे पूरा किए बगैर उसे चैन नहीं मिलता। अम्मी, ये बात तो बचपन की है, अरे अब तो साहबजादे बड़े हो गए हैं, अब तो उन्हें अच्छे बुरे का फर्क होना चाहिए। चाकरा जो कह देती वो बात को मान लेता है। आज तक आबिद ने कोई भी जायदाद नहीं बनाई है, और बुजुर्ग जो हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं, कम से कम उसे मिटाए तो नहीं। अम्मी, मैं तो बाग बेचने के सख्त खिलाफ। पता नहीं क्यों आबिद हम लोगों से गैरों जैसा सुलूक करता है। हमें तो लगता ही नहीं है कि हमारा बेटा है।
हमें लगता है कि हामिद की परवरिश में शायद हमी से कोई कमी रह गई। वरना बेटा, हमने तुम्हारी भी परवरिश की है और बाकी बच्चों की भी, लेकिन कोई भी आबद जैसा खुदगर्ज नहीं। अम्मी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम जायदाद का बंटवारा नहीं होने देंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी, देखिए क्या होता है। चाचा जी को तो हमने राजी कर लिया है और चाचा जी मान भी गए, अब मुश्किल चाची जी को मनाना है और वो काम बहुत मुश्किल है। वैसे चाची जी ने हमें माफ तो कर दिया है, लेकिन दिल से माफ नहीं किया। चाची जी आइए बैठिए। चाची प्रणाम। चाची ठीक है? चाची जी, चाचा जी आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूं। मिश्राइन, तुमने गौरव में कितना बदलाव देखा, उसने अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़ दी हैं, अब तुम्हारी और हमारी सेवा करना चाहता है। अरे छोड़िए मिश्रा जी, कैसी बातें करते हैं। गौरव न बदला है न बदलेगा। वो कहावत सुनी है ना आपने, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। कल कोई उल्टी सीधी बात हो गई या उसने कोई गलत हरकत की तो फिर आप हमें मत बोलिएगा। हाँ, अरे मिश्राइन, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अरे गौरव तो हमारे भाई का लड़का है, हमारा भतीजा। हाँ जानती हूँ, आपके भाई का लड़का है तो आपके भौजाई का भी लड़का है, मगर इसकी माँ की बातें याद आती है ना तो मेरी तो आंख भर आती है। चाची जी लीजिए, पानी पीजिए। रख दो चाचा जी। लाओ लाओ लाओ, जीते रहो, खुश रहो। चाचा जी आप कहें तो मैं आपके पांव दबा दूं। अरे मेरी सेवा करके क्या करोगे, बैठो, तुम बैठ तो जाओ जी। अरे हमारी सेवा करने की जरूरत नहीं है, जाओ गांव में अपनी माँ की सेवा करो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चाची जी उनकी तो हमने बहुत सेवा की है, अब हमारा मन आप लोगों की सेवा करने का है। चाची जी आप भी तो हमारी माँ समान है ना, अब आपकी सेवा करने के लिए मैं यहीं रहूंगा और पुण्य कमाऊंगा। अरे गौरव तुम ये क्या कह रहे हो, कहते हो कि माँ की सेवा बहुत कर ली। अरे माँ बाप की सेवा तो जिंदगी भर करो तो भी कम है, इससे भगवान को भी खुशी मिलती है और आशीर्वाद मिलता है। देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम गांव में जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। मिश्रा जी की सेवा करने के लिए हम बहुत हैं। चाची जी, चाचा जी की सेवा अगर आप करेंगी तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपकी सेवा हम करेंगे, आप भी तो हमारी माता जैसी है। ठीक है ठीक है। अरे मिश्राइन, अगर गौरव हमारे साथ रहेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। अरे गांव के गुंडों ने तो उसको बर्बाद कर दिया था, अब उन गुंडों का साथ इसने छोड़ दिया है, अब अच्छा हो गया है। जी चाची जी, अब हम आपको बहुत अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे। अरे दिखाओगे तभी ना जब बनोगे, हमको तो तुम पे जरा भी विश्वास नहीं। बेटा कलकत्ता में सब खैरियत है? हाँ अम्मी सब खैरियत है, अब सुल्ताना से रोज फोन पे बात हुई जाती है, हालांकि वो कह रही थी कि अम्मी से मिलने का बहुत जी चाह रहा है। इस बार गर्मियों में सुल्ताना और बच्चे लखनऊ आएंगे और आपके साथ ही रहेंगे। अब देखिए इंशाल्लाह मैं उन्हें इस बार जरूर ले आऊंगा। हाँ बिल्कुल आना भी चाहिए, हम भी कई दिनों से सोच रहे थे कि तुमसे कहें कि इस बार छुट्टियों में सुल्ताना और बच्चों को लेके आना, उनसे मिलने का बड़ा दिल करता है। जी अम्मी। अम्मी आदाब। आदाब। आदाब अहमद भाई। आदाब, बैठो। आज हम आप लोगों से कुछ बात करने आए, कि वो जो फैक्ट्री वाले लोग हैं उनसे हम अभी मीटिंग करके आ रहे हैं और वो लोग हमें
दुगनी से ज्यादा कीमत देने को राजी हैं। हमने कागजात बनवाने के लिए कह दिया है। अभी उस कागजात पे हमें आपके, अहमद भाई आपका, नरगिस का और चची अम्मा का साइन चाहिए। ताकि वो काम आगे बढ़ सके। अब तुम अपना हुक्म सुना रहे हो या फिर हमसे राय मशवरा ले रहे हो? तुम्हारी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से हम परेशान रहते हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, किसी और का कोई ख्याल ही नहीं। खुद मालिक मुख्तार बने हो। मगर अम्मी, वो हमारी सारी शर्तें मानने को राजी हैं। अभी तो तुम्हारी हर शर्त पे राजी तो हो ही जाएंगे। अरे वो दोगुनी क्या, वो तुम्हें चार गुनी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन तुम अपने बुजुर्गों से राय लेना जरूरी नहीं समझते हो? इस सारी जायदाद पर चची अम्मी का भी बराबर का हक है और वो अभी हयात हैं इस घर में। और तुम्हारे अकेले फैसला ले लेने से कोई फैसला नहीं हो जाता है। मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं। यही शिकायत तो हमें आप लोगों से है। हम आप लोगों को कोई भी बात कितना भी समझाएं, आप लोग तो जैसे हमारी बात सुनते तक नहीं। अरे इस घर के, इस जायदाद के हम भी वारिस हैं। डिप्टी हैदर अली खान के दो बेटे हैं, एक आप तो दूसरे हम, आबिद। इस घर में जैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे हम आपकी सौतेली औलाद हूं। आबिद, या खुदा, इतना बड़ा झूठा इल्जाम हम पे। आबिद ये बताओ, हमने कब तुमसे मोहब्बत नहीं की और कब तुम्हारी बात नहीं मानी? छोड़िए ना अम्मी, आप भी क्या बेकार की बहस कर रही हैं? अगर सच कहूंगा तो आपको भी बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, बोलो, आज बोल ही दो जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है। अम्मी तो जाने कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए क्या राय है, बताओ। अम्मी, आप सब्र कीजिए। सब्र कैसे करें बेटा, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हमारा बेटा हम पे उंगली उठाएगा, हमसे कहेगा कि क्या सही है और क्या गलत। हमारा कलेजा फट नहीं जाएगा। जब तक चची अम्मा नहीं आती हैं, कोई फैसला नहीं हो सकता। और आबिद, तुम्हें उन लोगों से पेपर बनाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, इसमें सबका फायदा है। पैसे आएंगे तो सबको मिलेंगे, और फिर इसमें बुराई क्या है? आबिद, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारी नजर में पैसे की अहमियत है और मेरी नजर में रिश्तों की। वो ओनर के साथ मीटिंग कैसी रही? मीटिंग तो अच्छी रही और वो लोग हमारी हर शर्त पे राजी भी हो गए। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मगर जब हमने उनसे कहा कि इस जमीन की खरीद फरोख में कुछ मुश्किलात हैं, तो वो लोग जमीन की तीन गुना ज्यादा कीमत देने को भी राजी हो गए। तुम्हें सौदा तुरंत कर लेना चाहिए था आबिद, इससे अच्छी कीमत जमीन की फिर कभी नहीं मिलेगी। शाकरा, अगर इस जमीन के सिर्फ हम मालिक होते तो कब का इसे बेच कर नक्की कर दिया होता, नगद कैश भी ले लिया होता। मगर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि एक मुश्तरका जायदाद है, इसलिए कोई एक इसे चाहके भी नहीं बेच सकता। इसमें मुश्किल क्या है आबिद, सभी का फायदा है इसमें। मुश्किल तो अहमद भाई खड़ी कर रहे हैं, ना खुद फायदा उठाते हैं ना दूसरों को उठाने देते हैं। ये तो वही कहावत हो गई,
खुद तो डूबेंगे ही भाई, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। खुद तो वो कुछ करते नहीं है और कोई दूसरा करना भी चाहे तो उसे भी नहीं करने देते। उनकी हालत तो पुराने रिकॉर्डर जैसी है, एक बार सुई अटक गई तो बार बार वही दोहराती रहती है। वही हालत अहमद भाई की है। अच्छा अभी तुम ये बताओ, तुमने अहमद भाई से दोबारा बात की थी क्या? हाँ की, मगर अहमद भाई की एक ही रट है, जब तक चची अम्मा नहीं आएंगी तब तक कोई फैसला नहीं होगा। ये चची अम्मा तो हुसैन टेकरी में जाके बैठ गई हैं, उनका वहीं दिल लग गया है। अब पता नहीं वो कब आएंगी, जब आएंगी तभी बात आगे बढ़ेगी। अभी कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या, जैसे कोर्ट कचहरी से तुम अपना हिस्सा लेके बेच सको? हाँ है, मगर उसमें वक्त लगेगा। ठीक है, वक्त लगे तो लग जाए, कम से कम इन मनहूसों से पीछा तो छूटेगा। अरे इन लोगों से पीछा नहीं छूटने वाला। वो कैसे? इतना मुश्किल भी नहीं है, इन सबके पास एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन लगेंगे, जो ये लोग किसी भी सूरत में नहीं देंगे। और अगर राजी हुए भी तो चची अम्मा का भी साइन चाहिए होगा, उनकी मौजूदगी भी जरूरी है, तभी जाके बंटवारा हो सकता है। मुश्किल तो ये है कि ना हुसैन टेकरी में कोई पोस्ट ऑफिस है और ना ही टेलीफोन का कोई इंतजाम है। या तो हम हुसैन टेकरी जाएं चची अम्मा को लेने, या फिर किसी के जरिए उन्हें खबर भिजवाएं। दोनों ही कामों में वक्त तो लगेगा, हमें तो अपनों ने ही परेशान किया, गैरों में कहा था मैं। अब आई बात हमारे समझ में, तुम्हारे घर वाले छोटे लोग छोटी सोच, वो लोग चाहते नहीं कि तुम तरक्की करो, उनसे बेहतर जिंदगी बसर करो, वो तो बस चाहते हैं कि तुम उन्हीं की तरह बन के रह जाओ। तुम बाहर रहे हो, तुमने दुनिया देखी है, तुम तरक्की पसंद आदमी हो, हमेशा आगे की सोचते हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले वो तो वही पुराने ख्यालात वाले। मोटर कार का जमाना है लेकिन वो बैलगाड़ी पे चलना पसंद करते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो हम उंगली टेढ़ी करके निकाल लेंगे। मीटिंग तो अच्छी रही और वो लोग हमारी हर शर्त पे राजी भी हो गए, मगर जब हमने उनसे कहा कि इस जमीन की खरीद फरोख में कुछ मुश्किलात हैं, तो वो लोग जमीन की 3 गुना ज्यादा कीमत देने को भी राजी हो गए। शाकरा, अगर इस जमीन के सिर्फ हम मालिक होते तो कब का इसे बेच कर नक्की कर दिया होता, नगद कैश भी ले लिया होता। मगर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि एक मुश्तरका जायदाद है, इसलिए कोई एक इसे चाहके भी नहीं बेच सकता। इन सबके पास एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन लगेंगे, जो ये लोग किसी भी सूरत पे नहीं देंगे। और अगर राजी हुए भी तो चची अम्मा का भी साइन चाहिए होगा, उनकी मौजूदगी भी जरूरी है, तभी जाके बंटवारा हो सकता है। ये बताओ तुम्हें हमारे कमरे में आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं छिप छिपा कर आई हूँ। वैसे भी कहीं भी जाने से पहले मैं अपने आप को महफूज कर लेती हूँ। ये तो तुम बहुत अच्छा करती हो, क्योंकि तुम्हारा काम ही ऐसा है। अच्छा ये बताओ, जो हमने तुम्हें काम दिया था वो कहाँ तक पहुँचा? मैंने नकली कागज तैयार करवा लिए हैं और इस तरह से करवाए हैं कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि वो नकली है या असली। ठीक है, हमें वो कागजात कब दिखाओगे? हम पहले देखेंगे फिर रकम देंगे। नहीं नहीं, कागज बनने में तो भी कुछ घंटे लगेंगे, आप हमें रकम दे दीजिए। नहीं, पहले हम कागज देखेंगे तभी रकम देंगे। ठीक है, पहले कागज देख लीजिएगा फिर दे दीजिएगा हमें हमारी रकम। एक बात जान लो, हमने यहां सबको तुम्हें अपना दूर का रिश्तेदार बताया। तुम हैदराबाद में एक
बड़ी मस्जिद की तामीर कर रही हो और उसी मस्जिद के सिलसिले में यहाँ आती हो। कोई तुमसे पूछे तो तुम भी यही बताना जो हमने बताया है। उसके लिए आप बेफिक्र रहे, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है, देखो हमारे ससुराल वाले थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, कौन आता है कौन जाता है किस लिए आता है सब पर नजर रखते हैं। हो सकता है तुम्हें आते जाते देख के कोई तुमसे कुछ पूछने की कोशिश करे। और एक मोटा आदमी है, पड़ोसी है, उसे कोई काम धाम नहीं है, हमेशा इस घर पे नजर रखता है, उससे तुम खास तौर पे होशियार रहे। अरे आप मुझे मिलवाइए उस मोटे इंसान से, मैं उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगी, उसका नजर रखना बंद हो जाएगा सब पर। शायद तुम जानती नहीं, उस मोटे ने ही दिलावर को पकड़ा है, उसकी सारी जासूसी उसी ने की थी। उस मोटे की वजह से ही दिलावर का असली नाम और घर का पता चल गया। मोटा बहुत चालाक है, इस घर पे तो जैसे उसने अपनी आंखें गड़ा के रखी है, जो कुछ होता है उसे सब पता चल जाता है। उससे तुम खास तौर पे संभल के रहना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मैं तो खुद उस शख्स से मिलना चाहती थी जिसने दिलावर जैसे होशियार बंदे को अपनी गिरफ्त में लिया। उसको तो पुलिस कई सालों से तलाश कर रही है, पर ना ही उसका असली नाम का पता चला ना घर का, और उसने चंद रोज में उसकी सारी हकीकत सामने ला दी। एक बार तो मैं मिलना चाहूंगी उस शख्स से। ठीक है ठीक है। अच्छा अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया ना, तो हम तुम्हें दो चार काम और दें। वैसे दिलावर अपने काम में बहुत माहिर है, कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आया, पहली बार पुलिस के शिकंजे में आया है। सारी करस्तानी उस मोटे की है, तुम हमारा काम जल्द से जल्द कर दो। बस आपका काम हो गया समझो। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।